हैदराबाद की पुलिस के डिसीजन पे मुझे बहुत खुशी हुई और मैं उनके फैसले को उनका जज्बे को सलाम करती हूँ स्वागत करती हूँ। उन्होंने जो डिसीजन लिया वो बिल्कुल सही लिया। मैं तो सात साल से कानून के तहत लड़ रही हूँ, मुझे क्या मिला है? आज भी 7 साल बाद भी मेरे सामने उनके वुमन राइट उनके राइट खड़े हैं। आप किस सजा की बात करते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने 2.5 साल पहले उनको दो बार फैसला दे दिया कि नहीं इनको फांसी होगी। आप किस सजा की बात करते हैं? आज भी वो मुजरिम जिंदा है। बच्चियां मर जाती हैं, सालों साल बीत जाता है, हजारों बच्चियां 2012 के बाद मिल गई। आप किस कानून की बात करते हैं? आप कानून बना के रख दिया, फर्स्ट एड कोर्ट बना के रख दिया। आपने कभी मुड़ के देखा कि उस कोर्ट में जज हैं कि नहीं है? कभी देखा कि 7 साल निर्भया का केस हो गया, उसका फैसला क्यों नहीं हुआ? आपने कभी पूछा अपने सिस्टम से कि आप इस समाज के महिलाओं से, उन बच्चियों के माँ बाप के दुख से वाकिफ नहीं है? अगर आप सही मायने में कानून के तहत काम करे होते तो ये आज एक हफ्ते में जो हमारी बच्चियाँ 4 बच्चियाँ जलाई गई हैं, मारी गई हैं, वो बिल्कुल सामने नहीं आता, जलाई मारी गई हैं। आज वो मुजरिम फांसी पे लटक गए होते। आप किस सजा की बात करते हैं? किस कानून की बात करते हैं? मैंने अपने बच्ची को मरते हुए एक एक सांस टूटते हुए देखा है। मेरे बच्ची के अंदर ऐसा सिस्टम नहीं था कि उसको एक चम्मच पानी पिलाया जाए। आप किस कानून की बात करते हैं? अगर वाकई में आप कानून की बात करते हैं तो जो कानून में कमियां है उसको ठीक करिए और निर्भया मुजरिमों को जल्द से फांसी दीजिए।